प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिनट विद द लॉर्ड, लेकिन 10 मिनट से तो ज़्यादा अक्सर बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, संगति जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ताकि इसी के बहाने, इसी के सहारे आप एटलीस्ट एक अध्याय तो रोज पढ़ें। तो आइए शुरुआत करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 18 फ्रॉम द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स, यानी कि दूसरे इतिहास की पुस्तक, उसमें से 18 अध्याय। और 18 अध्याय में नबी जो मिकाया है उसकी जो है आहाब को चेतावनी है। तो आहाब को चेतावनी सुनिए 18 अध्याय के पहले वचन में। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। कुछ वर्ष के बाद वह सोमरोन में आहाब के पास गया। तब आहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कराने को उकसाया। इसराइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद की रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है, हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। फिर यहोशापात ने इसराइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। तब इसराइल के राजा ने नबियों को जो कोई 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? बताओ क्या करूं कि ना करूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उसे घृणा करता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय में कभी कल्याण की नहीं सदा हानि ही की नबूवत करता है। वह यिम्ला का पुत्र मिकाया है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। तब इसराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, यिम्ला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इसराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उसके सामने नबोध कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिया ने लोहे के सींग बनवा कर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि इनसे तू आरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। सब नबियों ने इसी आशय की नबोध करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतज्ञ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। 400 नबियों ने मिलकर एक ही बात की नबोध की, तू लड़ और जीतेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको बुलाया जा रहा है, वो क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूँगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हाँ तुम चढ़ाई करो और कृतज्ञ रहो और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहे? मिकाया ने कहा, मुझे सारा इसराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ता है, और यहोवा का वचन आया है कि वे तो अनाथ हैं, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। यू नो, मिकाया के बारे में उसने पहले कहा था कि मिकाया जब भी भविष्यवाणी करे या कुछ भी कहता है तो मेरे विरोध ही करता है, वो मेरे साथ नहीं है, मेरे पक्ष में नहीं है। इतने सारे तो मेरे पक्ष में, एक मेरा विरोध में, इसको हटाओ, नहीं चाहिए मुझे ये, और इसलिए मुझे ये बात आदमी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ दो राजा हैं और दोनों एक मन हैं और आपस में बातचीत हो रही है, तो एक ने दूसरे को प्रेरित किया, नहीं राजा ऐसा मत कह, उसे भी कहने का अवसर दे, क्योंकि वो भी यहोवा की ओर से है। और उसने कहा कि देख, पहले तो जो बुलाकर लाया उसी ने कह दिया, देख सबके साथ तू वैसे भी हाँ भर देना, लेकिन इसने कहा यहोवा जो कहता मैं वही करूँगा, और उसने उसके पक्ष में बात कर दी। लेकिन बोले, सच सच बता, तू क्या कहना चाहता है? बोले, मुझे प्रजा दिख रही है तितर बितर, सब कुछ तितर बितर, इसलिए अपने अपने घर लौट जा, लड़ने मत जा। 17 वर्स 17 पद में लिखा है, तब इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबोध करेगा? मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने
बाएं खड़ी हुई सर्क की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा अहाब को ऐसा कौन बहकाएगा कि वे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उनके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसका बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। अच्छा, ये बात कैसे स्वीकार की जाए? मिकाया अकेला है और 400 और दूसरे नबूत करने वाले जो यहोवा के सेवक कहलाते हैं वो इस बात को कह रहे हैं। यानी कि आप इस बात को समझिए कि यहोवा के दासों के द्वारा भी कई बार हो सकता है आपके लिए ऐसी बात निकले जो यहोवा की मर्जी के अनुसार नहीं है, परंतु वो आपकी हानि के लिए है। क्यों ऐसा हो सकता है? संभवतः पहला बड़ा कारण यह है कि आपने ऐसा कुछ किया है या आप ऐसा करते हो जो कि यहोवा की मर्जी के अनुसार नहीं है। अगर ऐसा है तो निश्चय जान लीजिए वाट लगने वाली है। पर आप कैसे जानेंगे? इतने सारे लोग तो हाँ भर रहे हैं और एक व्यक्ति ना कर रहा है। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि फलाने दिन हमारे फलाने प्रभु के सेवक आए थे, उनको हमने इतना दान दिया, उनको ये किया, उनको वो किया और ऐसा किया, और वो आके बोल के गए थे कि अगले साल तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, तुम्हारे घर में हो जाएगा। 3 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो बातें कही थी वो बेकार गई। मैंने हमेशा पहले प्रभु का वचन याद दिलाया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कहा है, याद दिलाया कि परखो उनको जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, उनको परखो, समझो। अगर आप परखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी? बोलो, किसकी जिम्मेदारी? ये बात समझना और उसके अनुसार चलना हमारा। हम अंधाधुन आंखें बंद करके भरोसा करते हैं कि बस ये जो इसने कह दिया वो चलेगा। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं चलता। समझदारी तब आती है जब हम सही ढंग से सुनते और सीखते हैं, और इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। Verse 23, तब कनाना के पुत्र सिदकिया ने निकट जा मिकाएल के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। इस पर इज़राइल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम अम्मोन और राजकुमार योआश के पास लौटाकर उससे कहो, राजा यूँ कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो और जब तक मैं कुशल से न आऊँ तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगो, तुम सब के सब सुन लो। हाँ, क्या बात है मिकाया के साथ। मेरे प्रियो, जब आप सेवा में हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि चीज़ें गंभीर हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि बिना विवाह किए रहता तो शायद अच्छा होता, क्योंकि फिर जो कुछ होता सिर्फ मुझ तक ही निर्भर होता, मुझ तक ही शामिल होता। लेकिन यहोवा हमेशा न्यायी है, वो कभी छोड़ता नहीं। पर ये मैं मेरी बात के लिए कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ मिकाया के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसके साथ साथ मिकाया के साथ हुआ इसमें भी परमेश्वर ने एक भलाई रखी है, एक उपमा रखी है जो अब आपके और मेरे लिए है, जो मेरे हाथ में है। आमेन। सो लेट्स रीड वर्स 28 क्या लिखा है। इस प्रकार से लिखा है, तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदल कर युद्ध में जाऊँगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहे। इज़राइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। आराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी कि ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से लड़ो। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इज़राइल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा, तब यहोवा ने उसकी सहायता की, परमेश्वर ने उसको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। यह देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। तब किसी ने यूं ही कहकर तीर चलाया कि वह इज़राइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच भेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हूं, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इज़राइल का राजा अपने रथ में आरामियों के सम्मुख सांझ तक लड़ता रहा और सूर्य अस्त होते होते वह मर गया। जो बात मिकाएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी और वो पूरी हुई। अब मिकाया ने जो कहा था वाकई में जानना और समझना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ तो बहुत आसान है, वो ये है परमेश्वर के वचन को सुनना और उसके अनुसार चलना। कभी कभी हमें लगता है, जैसे कि अभी हमने आगे पीछे भी और भी पढ़ा, सब कुछ तो ठीक चल रहा था,
लेकिन कोई आके बोल रहा, बेटा देख तूने सारे काम अच्छे किए, ये काम तेरे ठीक नहीं है, सुधार ले, सुधार लिए। और इसके लिए संगति ज़रूरी है। और जितने लोगों का ईमान बिगड़ा है, संगति बिगड़ी है, परमेश्वर को छोड़ा है, उसके पीछे कारण ये था कि उनकी संगति अच्छी नहीं थी, वो अच्छे लोगों में नहीं थे, अच्छी सलाह में नहीं थे। मैं हमेशा कहता हूँ उन लोगों के बीच में रहो जो आपके लिए आपकी बात को करते हों, आपके साथ हों, जो आपको डांटते भी हों, आपको बोलते भी हों। मेरे साथ बहुत कम लोग हैं ऐसे, मैं सुनता हूँ, सुनना मुझे पसंद है, मुझे लोगों की गालियाँ सुनकर बुरा नहीं लगता। हाँ कोई गलत काम कर रहा है तो ज़रूर बुरा लगेगा, लेकिन गालियाँ सुनकर, किसी का विद्रोह सुनकर मुझे बुरा नहीं लगता। मैं समझता हूँ, देखता हूँ और कहता हूँ ओके ठीक है, फाइन, आई एम ओके विद दैट। एनीवे आई बिलीव आज आपने कुछ अच्छा सीखा है। आमेन, लेट्स प्रे टुगेदर। लॉर्ड ब्लेस अस, आशीषित कर हमें प्रभु, तेरे लोगों को तो फलवंत और बलवंत कर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे वचन को पढ़ने सुनने सीखने का समझ दे प्रभु, ताकि हम हर बात में हर परिस्थिति में तेरी मर्जी और तेरी इच्छा को जानने वाले ठहरे। ऐसा ना हो कि हम ये पूछते हों किसी और से कि तू बता कि प्रभु मेरे लिए क्या चाहता है। प्रभु हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे और ऐसी संगति दे प्रभु, ऐसा मन बना कि हम तुझसे बातचीत करें और तेरी सुने, क्योंकि प्रभु ये अनुग्रह का दिन है। तब तो कुछ लोगों से बात करता था, आज तू हम सबसे बात करता है। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन, प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है, आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हर दिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे, आइए हमारे साथ विजनरी रेडियो और टीवी पर।